शर्मा जी, आप आजकल बड़े खुश लग रहे हैं, इस खुशी का राज क्या है? खुशी की बात तो है ही भाई, मेरे बेटे ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, उसे बेंगलुरु में बहुत बढ़िया जॉब मिला है। मुबारक हो, वाकई में यह बहुत ही खुशी की बात है। आपके बेटे ने कौन सा कोर्स किया था? मेरे बेटे ने MCC कंप्यूटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, वहाँ काफी अच्छी पढ़ाई और ट्रेनिंग हुई। उसने वहाँ कंप्यूटर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी सीखा, जो कि वहाँ बिल्कुल फ्री है। वे लोग बच्चों पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इससे अच्छा कंप्यूटर सेंटर शायद ही आरा में होगा। मेरे बेटे के साथ पढ़ने वाले और भी कई लड़कों को नौकरी मिल गई। उनके यहाँ की सर्टिफिकेट की मान्यता देश विदेश तक प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि MCC कंप्यूटर सेंटर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहाँ से हर साल कम से कम 1,500 बच्चे अपना कैरियर बनाते हैं। उनके यहाँ फंडामेंटल विंडोज, MS ऑफिस, इंटरनेट, असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन के क्लासेस होते हैं। MCC कंप्यूटर में वाईफाई फ्री कैंपस और डिजिटल क्लासरूम है। अरे वर्मा जी, आप आजकल बड़े खुश लग रहे हैं, इस खुशी का राज क्या है? खुशी की बात तो है ही भाई, मेरे बेटे ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बेटे ने MCC कंप्यूटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, वहाँ काफी अच्छी पढ़ाई और ट्रेनिंग हुई। उसने वहाँ कंप्यूटर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी सीखा, जो कि वहाँ बिल्कुल फ्री है। वे लोग बच्चों पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इससे अच्छा कंप्यूटर सेंटर शायद ही आरा में होगा। मेरे बेटे के साथ पढ़ने वाले और भी कई लड़कों को नौकरी मिल गई। उनके यहाँ की सर्टिफिकेट की मान्यता देश विदेश तक प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि MCC कंप्यूटर सेंटर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहाँ से हर साल कम से कम 1,500 बस और डिजिटल क्लासरूम है। अरे वर्मा जी, आप आजकल बड़े खुश लग रहे हैं, इस खुशी का राज क्या है? खुशी की बात तो है ही भाई, मेरे बेटे ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, उसे बेंगलुरु में बहुत बढ़िया जॉब मिला है। मुबारक हो, वाकई में यह बहुत ही खुशी की बात है। आपके बेटे ने कौन सा कोर्स किया था? मेरे बेटे ने MCC कंप्यूटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, वहाँ काफी अच्छी पढ़ाई और ट्रेनिंग हुई। उसने वहाँ कंप्यूटर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी सीखा, जो कि वहाँ बिल्कुल फ्री है। वे लोग बच्चों पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इससे अच्छा कंप्यूटर सेंटर शायद ही आरा में होगा। मेरे बेटे के साथ पढ़ने वाले और भी कई लड़कों को नौकरी मिल गई। उनके यहाँ की सर्टिफिकेट की मान्यता देश विदेश तक प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि MCC कंप्यूटर सेंटर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहाँ से हर साल कम से कम 1,500 बच्चे अपना कैरियर बनाते हैं। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग टैली का बैच पढ़ेंगे। सबसे पहले टैली स्टार्ट करना सीखेंगे। टैली हमारा स्टार्ट कैसे होगा, तो उससे पहले टैली एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। टैली को हम लोग डाउनलोड करेंगे। गूगल पर जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद लिखिएगा टैली प्राइम। डाउनलोड टैली सॉल्यूशन। डाउनलोड अब देख रहे होंगे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है।
टैली हमारा डाउनलोड हो चुका है, अब हम टैली को इंस्टॉल करेंगे। यहीं से क्लिक करेंगे टैली अपने एप्लीकेशन पे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ से पूछेगा यस और नो, यहाँ से यस कीजिए। यस करने के बाद इंस्टॉल, इंस्टॉल हो गया हमारा टैली प्राइम। इंस्टॉल हो गया, अब करेंगे स्टार्ट टैली प्राइम। टैली प्राइम स्टार्ट हो रहा है, ये आपका टैली प्राइम का लोगो है। अगर कोई पहले से टैली आरपी 9 देखे होंगे तो उसका लोगो चेंज था, और टैली प्राइम जो नया वर्जन आया है इसका लोगो आपका चेंज है। टैली ओपन होने के साथ ही आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा होगा। सबसे पहला आपको एजुकेशनल मोड, या आपको जो भी वर्क करना है आपको एजुकेशनल मोड पे करना है। ये आपके सामने एजुकेशनल मोड है, इस एजुकेशनल मोड में हम लोग टैली पढ़ेंगे। अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने टैली को तो यहाँ से आप एक्टिवेट लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल पढ़ना है इसलिए हम लोग एजुकेशनल मोड में पढ़ेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ सामने दिखाई देगा कंपनी क्रिएट करने के लिए। अगर पहले से आपके पास टैली होगा उस टैली में जो पहले से कंपनी बना होगा वो कंपनी आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे मेरे कंप्यूटर में पहले से जो भी कंपनी बना हुआ है वो कंपनी सामने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। हो गया, यहाँ से हम अपना कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे हम कंपनी का नाम अपना डालते हैं MCC MCC कंप्यूटर सेंटर, उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ेंगे। आपके पास मेलिंग नेम देता है, मेलिंग नेम में आप वो नेम छोड़ सकते हैं, या आप जो आपका नेम है या कोई दूसरा नेम आपके पास है वो दूसरा नेम आप यहाँ डाल सकते हैं। हम अभी इस नेम को यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने के बाद एड्रेस आपको देगा डालने के लिए, एड्रेस डालेंगे। उसके बाद और आपको जो भी एड्रेस डालना है आपको ऑप्शन देगा एड्रेस डालने के लिए। जो आपको यहाँ एड्रेस डालना चाहते हैं आपके पास अलग अलग बॉक्स देगा। मान लीजिए हम यहाँ से कुछ भोजपुर लिखते हैं, इंटर किए, फिर बॉक्स दिया। तो जिस तरह से आपको एड्रेस डालना होगा आप यहाँ से आसानी से एड्रेस अपना डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट चूज करने के लिए, तो स्टेट आपके सामने यहाँ पे आ गया क्योंकि पहले से हमारे पास यहाँ से कंट्री इंडिया लिया हुआ है। आप चाहते हैं अपना कंट्री चेंज करना, मान के चलिए आप इंडिया से बाहर हैं तो आप यहाँ से अपना कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको इंडिया में है तो इंडिया के आपके सामने स्टेट खुल गया। हमको बिहार लेना है, आप केवल बी टाइप कीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन जो जो इसमें बी होगा वो सारा आ जाएगा।